बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया का जोरदार स्वागत किया। आजी शकील सैफी। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। निहाल विहार, दिल्ली। दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया का हाजी शकील सैफी के फार्म हाउस निहाल विहार पर जोरदार स्वागत किया गया, जहां सैकड़ों मुस्लिम समुदाय लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया को फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया और सभी ने अब की बार 400 पार का नारा लगाया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का धन्यवाद किया कि बीजेपी ने उत्तरी पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में एक अच्छा और सबको साथ लेकर चलने वाले को उम्मीदवार बनाकर भेजा है। वर्ल्ड पीस हार्मनी चेयरमैन हाजी शकील सैफी ने कहा, हम बीजेपी के साथ हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री के विचार पर चलने वाले हैं, हम योगेंद्र चंदोलिया को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट से जिताकर संसद भेजेंगे। हाजी शकील सैफी ने कहा, मोदी सरकार के राज्य में अल्पसंख्यक को हमेशा साथ मिला है, केंद्र सरकार के हर योजना का लाभ मिला है, मोदी सरकार के राज्य में हर वर्ष मुफ्त योजना का लाभ मिला है, मोदी सरकार के राज्य में हर वर्ष मुस्लिम बच्चे भी यूपीएससी परीक्षा पास करके आईएएस और आईपीएस बन रहे हैं, मोदी सरकार सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। आज गुजरात में जिस तरह आज बीजेपी की जीत का खाता खुल गया है, इस बात प्रमाण है कि देश में मोदी का लहर ही सिर्फ है, देश को मोदी सरकार का काम है। बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया ने सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों का साथ प्यार देखकर मंच पर कहा, देश में मोदी सरकार की गारंटी है तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में काम की विकास की योगेंद्र चंदोलिया की गारंटी है। स्वागत समारोह में कई मुस्लिम ने बीजेपी ज्वाइन किया है। मौके पर हाजी फैज सैफी, हाजी रिजवान सैफी, हाजी हमजा सैफी, वसीम सैफी, आजाद सैफी, दानिश सैफी, अनाश सैफी, वसीम सैफी, इदरीश सैफी, हाजी फुरकान कुरेशी, राजा भाई, मुमताज अंसारी, रजनीश सैफी, बेलाज सैफी मौजूद थे।